राम राम डीएलएड कर रहे सभी बंधुओं का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपको मैं द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि आपका हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता का जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो मौखिक अभिव्यक्ति दूसरी यूनिट है उसके संबंध में कुछ शॉर्ट और स्वीट भाषा में जो अच्छे खासे प्रश्न उत्तर है उसको स्टार्ट किया जा रहा है आज के इस सेशन में। तो पूरा अपना ध्यान लगाए और इसको अच्छे से समझे। ये प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों के जवाब देने में भी महत्व रखते हैं, सहयोग करेंगे आपका। तो इस मौखिक अभिव्यक्ति में प्रमुख टॉपिक क्या क्या है, सुनकर समझना, वे समझकर बोलना, बोलकर विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति करना, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष हैं, आवाज़ के पहलू हम उनका अर्थ से संबंध हैं, संदर्भ के पहलू हम उनका अर्थ से संबंध हैं, इस प्रकार नाटक, भाषण, खबर और उनकी विशेषताएँ हैं, विभिन्न प्रकार के संदर्भ हैं, सुनने व बोलने भाव की पृष्ठभूमि है, पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थी शिक्षक के सुनने बोलने के कौशल का विकास है, और यहाँ पर आपके जो श्रवण के साधन हैं टीवी है, रेडियो है, खबर है, भाषण, नाटक को देख सुनकर, फिर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। कुछ इस प्रकार का आपका ये चैप्टर चलने वाला है। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में लोगों की बातों को समझने का सशक्त साधन क्या है, तो यहाँ पर सशक्त साधन ही भाषा है। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे है, तो दोस्तों ऑप्शन बे हो जाएगा, उच्चारण के साथ है। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध उच्चारण के साथ है। अभिव्यक्ति का प्राथमिक सोपान है, अभिव्यक्ति का प्राथमिक सोपान है, तो अभिव्यक्ति का प्राथमिक सोपान आपके मौखिक अभिव्यक्ति है। सुनकर समझने में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो विषय वस्तु का है। सुनकर समझने में महत्वपूर्ण स्थान है विषय वस्तु का, ऑप्शन ए हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सोपान क्या है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सोपान है सुनना। फिर सुनने में विशेष महत्व किसका है, तो सुनने में विशेष महत्व आवाज का है। यहाँ पर मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम क्या है, तो मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम ऑप्शन दे कहानी है। बालक की रागात्मक शक्ति उभरती है, बालक की रागात्मक शक्ति उभरती है, तो कविता पाठ से बालक की रागात्मक शक्ति उभरती है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो आंसू भाषण यहाँ पर जो आपसे ऑप्शन है वो आपके मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। नेक्स्ट प्रश्नों को देखिए। कोई भी अभिव्यक्ति हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का कब तक हिस्सा नहीं बन सकती, जब तक किसी बात को सुनकर समझा नहीं जाए तब तक वे हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं बन सकती। बच्चे किन बातों को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, तो बच्चे उन बातों को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं जो बातें उनकी रुचि से संबंधित होती है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के गुण पूछ रहा है, तो यानी भाषिक शुद्धता होती है, विचारों की सशक्तता होती है, प्रभाव उत्पादकता होती है, व्यवहारिकता है, अवसर अनुकूलता है, गतिशीलता है, मधुरता है और शिष्टता है, ये मौखिक अभिव्यक्ति के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने का सुनने से गहरा संबंध है कैसे, बोलने का सुनने से गहरा संबंध है क्योंकि जब हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क कहीं बोलने की भी रूपरेखा चिंतन के बीच बना रहा होता है। बच्चे अपने आप से बात करते हुए अपनी बोलने की क्षमता का विकास करते हैं कैसे, क्योंकि बच्चे स्वयं ही बोलते हैं और उसे सुनते भी हैं, तो उससे उनका बोलना सुधरता है, इससे उनमें आत्मविश्वास जागता है और बोलने की क्षमता का विकास भी होता है। वार्तालाप या औपचारिक है या अनौपचारिक, ये किस पर निर्भर करता है, तो वार्तालाप औपचारिक है या अनौपचारिक है इस बात पर निर्भर करता है कि ये किन लोगों के बीच हो रहा है, इसका माध्यम क्या है। फिर वार्तालाप के अनौपचारिक स्वरूप एवं औपचारिक स्वरूप में क्या अंतर है, तो वार्तालाप के अनौपचारिक स्वरूप में व्याकरण के नियमों, वाक्य निर्माण, विराम आदि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता अनौपचारिक में, इसमें सहजता अधिक होती है, जबकि औपचारिक में स्वरूप में शब्द का चयन, वाक्य निर्माण, आरोह अवरोह तथा अन्य भाषाई शिष्टाचार संबंधी नियमों का निर्वहन किया जाता है। साक्षात्कार है, इंटरव्यू, गोष्ठी है, सम्मेलन है आदि में कौन होने वाले वार्तालाप में भाषा किस स्वरूप से होती है, तो यहाँ पर भाषा औपचारिक स्वरूप में होती है। भाषण औपचारिक है या अनौपचारिक, ये किस पर निर्भर करता है, तो भाषण औपचारिक है या अनौपचारिक ये परिस्थिति एवं वक्ता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अनौपचारिक भाषण कौन कौन से होते हैं, तो अनौपचारिक भाषण चुनावी सभाओं में नेताओं के भाषण, टीवी चैनलों पर विविध विषयों की चर्चा में दिए जाने वाले वक्तव्य आदि हो सकते हैं अनौपचारिक भाषण। औपचारिक भाषण की विशेषता बताइए, तो औपचारिक भाषण में अतिथियों के अभिवादन से शुरुआत होते हुए विषय की भूमिका बनाई जाती है, इस प्रकार के भाषणों में श्रोताओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक कथन को मनन करके प्रकट किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी समारोहों में इस प्रकार के भाषण सुनने को मिलते हैं। अनौपचारिक भाषण कभी भी किसी भी सामान्य समारोह में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि औपचारिक शिक्षण संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी समारोह इनमें प्रस्तुत किए जाते हैं। समाचार या खबर औपचारिक है या अनौपचारिक है, मुख्यतः किस पर निर्भर करता है,
तो ये आपके मुख्यतः निर्भर करता है इस बात पर कि वे किस संदर्भ में प्रकट हो रही हैं। साहित्य का एक विद्यार्थी यदि कोई साहित्य का अभिव्यक्ति देता है तो उस बात को विज्ञान का विद्यार्थी सरलता से क्यों नहीं समझ पाता है, क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर होता है। साहित्य का संबंध हृदय से अधिक होता है जबकि विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, एक मदरसे में इस्लाम संस्कृति संबंधित बच्चों को जब स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन जैसा पाठ पढ़ाया जाता है तब उनको समझने में कठिनाई क्यों उपस्थित होती है? तो संबंधित पाठ में गार्गी, मैत्रेयी, जोयपुद्दा, वशिष्ठ, जनय आदि के उदाहरण होने से उसे समझने में उन्हें कठिनाई उपस्थित होती है, क्योंकि ये उदाहरण उनके समाज या संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। किसी भी व्यवसाय की भाषा पर यानी किसी भी व्यक्ति की भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव किन का दिखाई पड़ता है? तो किसी भी व्यक्ति की भाषा पर उसके समाज एवं संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। श्रवण कौशल के अंदर जो दोष हैं उनका कारण क्या हो सकता है उल्लेख कीजिए। तो श्रवण कौशल में आने वाले दोषों का कारण इस प्रकार हो सकता है कि मौखिक कार्य का अभाव है, कक्षा में कठोर नियंत्रण है, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता है, अशांत वातावरण है, एक साथ दो काम है, श्रवण इंद्रियों का बाधिक होना है। श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त होती है। दोस्तों श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश और निर्देश की भाषा में क्या अंतर होता है? तो आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है जिसमें कार्य को करने या मानने की बाध्यता का भावबोध होता है, जबकि निर्देश की भाषा अनिवार्यता की जगह संकेतात्मकता का भाव होता है। साथ ही आदेश की भाषा चुनौतीपूर्ण होती है जबकि निर्देशात्मक भाषा में अपनी इच्छानुसार अपने व्यवहार में जरूरी परिवर्तन कर लेते हैं। वार्तालाप कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो वार्तालाप दो प्रकार के होते हैं यानी सामान्य वार्तालाप और विशिष्ट वार्तालाप। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है जबकि विशिष्ट वार्तालाप उस विषय के जानकार अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच संभव है। नाटक अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कैसे? जो नाटक अभिनय है वो मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कि कैसे? तो नाटक अभिनय से बालक बालिकाओं में कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास होता है तथा नाटक मंचन में बच्चे तरह तरह के कौशल अपनाते हैं। इसके लिए विद्यालय में नाटक मंचन का मौका देकर मौखिक अभिव्यक्ति को संवारा और निखारा जा सकता है। तो इस प्रकार ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति का जो सेकंड यूनिट थी उसका वीडियो यहीं होता है समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आपका एग्ज़ाम के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक।